बिहार में स्वास्थ्य विभाग अपने कारनामे के लिए पहले भी चर्चित रहा है। फिलहाल पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल PMCH में एक बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां जिंदा व्यक्ति को ही मृत घोषित कर उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया। PMCH के एक चिकित्सक ने बताया कि बाढ़ थाने के मोहम्मदपुर निवासी चुन्नू कुमार को ब्रेन हेमरेज के बाद 9 अप्रैल को PMCH में भर्ती करवाया गया था। इलाज के क्रम में ही उनकी कोरोना जांच करवाई गई, जिसमें वे पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद कोरोना वार्ड में उन्हें भर्ती करवा दिया गया और उनका इलाज प्रारंभ किया गया। अस्पताल प्रशासन द्वारा रविवार को उनकी पत्नी और भाई को सूचना दी गई कि चुन्नू की मौत हो गई। मौत के बाद शव को हटाने की आपाधापी में अस्पताल प्रशासन ने मरीज के शव को सील पैक कर चुन्नू के भाई मनोज कुमार को सौंप दिया और मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया। प्रशासन की देख रेख में शव के अंतिम संस्कार के लिए उन्हें ले जाया गया। इस क्रम में मृतक की पत्नी पति के अंतिम दर्शन की जिद करने लगी। परिजनों के मुताबिक जब अंतिम दर्शन के लिए शव पर से कपड़ा हटाया गया तो शव चुन्नू का नहीं किसी और का निकला। इसके बाद तो सभी हैरान रह गए। इसके बाद PMCH हरकत में आया। PMCH में फिलहाल चुन्नू का इलाज चल रहा है, जिसकी पुष्टि PMCH प्रशासन और चुन्नू के परिजन भी कर रहे हैं। उधर जीवित कोरोना मरीज को मृत बताकर मौत का गलत सर्टिफिकेट देने के मामले में PMCH के अधीक्षक डॉक्टर IAS ठाकुर ने इसे बड़ी गलती बताते हुए हेल्थ मैनेजर अंजलि कुमारी को बर्खास्त कर दिया है। ये मामला यहाँ चर्चा का विषय बना हुआ है।